हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको पठानकोट से मनाली तक की बस यात्रा करवाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि पठानकोट से मनाली तो 10-12 घंटे की ही यात्रा है, तो उसमें क्या ही सीरीज़ बनेगी। लेकिन हम आपको थोड़ा अलग रूट से लेकर चलेंगे, जिसमें हमें 6 दिन का वक्त लगा। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में हम पठानकोट से वाया चंबा, किलाड़ और केलोंग होते हुए मनाली तक जाएंगे। इस सीरीज़ में हम आपको मिलेनियम सिटी चंबा और फिर उसके बाद 4,500 मीटर्स की हाइट पर साच पास से होते हुए पांगी घाटी लेकर चलेंगे और उसके बाद फिर लाहौल के रास्ते से मनाली तक की सैर करवाएंगे। ये सीरीज़ अगस्त यानी मानसून टाइम में शूट की गई थी। ये वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम पठानकोट से चंबा तक का सफ़र कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। अभी इस वक्त हम खड़े हैं पठानकोट बस स्टैंड पर और सुबह के 5:30 हो रहे हैं। दरअसल मैं नाइट में ऊना से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा हूँ और बस ने सुबह 5 बजे मुझे यहाँ उतार दिया है। अभी मुझे यहाँ से बस पकड़कर चंबा जाना है। पठानकोट को चंबा और कांगड़ा घाटियों में जाने के लिए बेस स्टेशन भी माना जाता है। पठानकोट के लिए अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी है, तो जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं वो पठानकोट तक ट्रेन में आकर आगे बस से डलहौजी, चंबा या फिर कांगड़ा घाटी के लिए जा सकते हैं। कांगड़ा घाटी रेल, जो कि पठानकोट से जोगिंदर नगर नैरो गेज ट्रेन है, वो भी आपको कांगड़ा घाटी के लिए सस्ती और सुगम यात्रा करवाती है। पठानकोट से कांगड़ा 86 किलोमीटर, धर्मशाला 88 किलोमीटर और मैक्लोडगंज 94 किलोमीटर दूर है। वहीं डलहौजी की दूरी यहां से 85 किलोमीटर और चंबा की दूरी 125 किलोमीटर है। मैं यहां दिल्ली चंबा वॉल्वो बस की वेट कर रहा था, जो कि 6:30 बजे तक यहां आ जाती है, मगर आज शायद वो पठानकोट नहीं आई और सीधा चंबा ही निकल गई है। मनाली से अमृतसर जाने वाली वॉल्वो यहां पहुंच चुकी है। मुझे पहले लगा कि ये दिल्ली चंबा वॉल्वो आ गई, मगर बाद में देखा तो ये मनाली अमृतसर है। ये बस रात 8 बजे मनाली से चलकर आ रही है और अभी 7:45 बजे यहाँ पठानकोट पहुँच गई है। अब यहाँ से ये अमृतसर जाएगी और ये मनाली चंबा ऑर्डिनरी बस भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन इस बस की हालत काफ़ी खस्ता लग रही है, तो मैं इसमें तो नहीं जाऊँगा। मैंने थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करने का सोचा, लेकिन बस स्टैंड में सुबह सुबह समोसे वगैरह ही मिल रहे थे, तो इसीलिए मैं बस स्टैंड से थोड़ा बाहर को आया और मुझे सामने ये नान छोले वाला दिखा। मैंने तुरंत ऑर्डर दे दिया और गर्मा गर्म नान खाकर मज़ा आ गया। पठानकोट से धर्मशाला, बैजनाथ, मंडी और कुल्लू मनाली के लिए काफ़ी बसेस जाती हैं और ये पठानकोट से भरमौर जाने वाली बस भी यहाँ पर आ गई है। ये बस वाया चंबा होकर जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में निकल जाता हूँ। लेकिन इसके ठीक पीछे दिल्ली डलहौजी वॉल्वो भी आ गई, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि बनी खेत तक इसमें जाया जाए, क्योंकि अगले कुछ दिन तो फिर ऑर्डिनरी बसेस में ही जाना होगा। ये बस पठानकोट में ज़्यादा देर नहीं रुकी, बस सवारियाँ उतारी और चढ़ाई और फिर निकल पड़ी। बस में कंडक्टर पंकज भाई हैं और ये अपनी जान पहचान के ही हैं। पठानकोट से कांगड़ा चंबा साइड जाने के लिए सुबह 8 बजे से पहले तो बसें सीधे ही निकल जाती हैं, मगर सुबह 8 बजे के बाद पठानकोट बाईपास होकर जाना पड़ता है, जिसमें लगभग आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो हमारी बस जम्मू बाईपास सिंबल चौक से होती हुई डलहौजी की ओर निकली।
10 बजे हम ममून कैंट पहुंचे और बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं तो मुझे आगे की सीट मिल गई है। इसके बाद हम बुंगल भदानी से होकर निकले और इसके बाद आता है धार। यहाँ से ये रोड उधमपुर के लिए जाता है जो कि यहाँ से 134 किलोमीटर दूर है। ये सारा एरिया ज़िला पठानकोट पंजाब में आता है। और इसके बाद हम पहुँचे दुनेरा। दुनेरा पंजाब का आखिरी गांव है और इसके बाद आगे हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाएगा। ये मैक्लोडगंज धर्मशाला से सीधे डलहौजी जाने वाली बस भी यहां पहुंच गई है। ये बस सुबह 7 बजे मैक्लोडगंज से और 7:30 बजे धर्मशाला से चलती है। चक्की पठानकोट से भरमौर वाया बनीखेत चंबा रोड नेशनल हाईवे है और इसका नंबर 154A है। बनीखेत तक तो सारा रोड डबल लेन है और उसके आगे चंबा तक भी वैसे काफ़ी डबल लेन ही है, लेकिन यहाँ पास लेने में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और यहाँ हम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में प्रवेश करते हैं। अब हम कम्प्लीटली पहाड़ों में आ चुके हैं और आगे बनीखेत तक चढ़ाई चढ़नी है। तुनुहट्टी होते हुए हमारी बस नैनीखट पहुंची और यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी। यहाँ जितनी देर में हम खाना खाएंगे उतने में बस को धोया जाएगा। यहाँ HRTC ने एक वॉशर बॉय रखा है जो यहाँ बसेस को धोता है। हमारे साथ ये बस के कंडक्टर पंकज जी हैं और ये ड्राइवर साहब हैं। तो भैया कितने में चलती है बस ये दिल्ली से? नमस्कार सभी को, नमस्कार जय श्री राम। ये दिल्ली चलती है 9:30 9:30 बजे। और अभी कितने बजे पहुंच जाएगी डलहौजी? 12:30। और कितना किराया कितना है इसमें? दिल्ली से 1550 का 1550। और 9:30 बजे चल के 11:30 बजे पहुंचे। यहाँ ढाबे में मैंने बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही खाना खाया और इसके लिए मुझे पैसे भी नहीं चुकाने पड़े। दरअसल ये कंडक्टर पंकज भाई हैं जो काफ़ी टाइम से हमें जानते हैं, बट मुलाकात आज पहली बार हो रही है। ड्राइवर मिस्टर सुनील जी हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम डलहौजी की ओर चले और अब हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। नैनीखट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लैंडस्केप इतना अच्छा हो जाता है कि मज़ा आ जाता है। ऊपर से फॉगी वेदर तो यूं ही दिल खुश कर देता है। आजकल मानसून में यहाँ टूरिस्ट तो कम ही आते हैं, लेकिन ये बादलों से घिरे पहाड़ इसी मौसम में ऐसे दिखते हैं। फॉग के बीच में बारिश की बरसती बूंदें आपकी सारी थकान उतार देती हैं। मैं कल पूरी रात ट्रैवल किया हूं और सोया बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल तरोताज़ा फील कर रहा हूं। सच में इस कुदरत का कोई जवाब नहीं।
11:30 बजे बस बनीखेत पहुंच गई और यहां स्टार्टिंग में ही ये टोल बैरियर आता है जहां गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूल किया जाता है। ये बनीखेत की मार्केट है और ये चंबा पठानकोट बस भी यहां से निकल रही है। ये बनीखेत का चौक है और यहां से डलहौजी के लिए अलग रास्ता जाता है जो कि यहां से 6 किलोमीटर दूर है। ये दिल्ली डलहौजी बस यहां 11:30 बजे पहुंच गई है और अब ये डलहौजी जाएगी। डलहौजी से इसका वापस दिल्ली के लिए जाने का समय दोपहर 2:55 का है। और यहां बनीखेत से चंबा के लिए दूसरा रास्ता जाता है जो कि यहां से 45 किलोमीटर दूर है, तो मुझे यहां बनीखेत में उतरकर चंबा के लिए बस पकड़नी है। बनीखेत में मौसम काफ़ी अच्छा, मतलब ठंडा है और बादल भी छाए हुए हैं। मुझे यहां बस से उतरे अभी 10 ही मिनट हुए थे कि इतने में पठानकोट से भरमौर जाने वाली बस भी यहां पर आ गई, तो मैं उसमें चढ़ गया। बस वैसे भरी हुई थी लेकिन मुझे सीट मिल गई। बाथरी गोली होते हुए हमारी बस यहां द्रड्डा के पास कांडू में आकर रुकी। ये इस रोड का एक छोटा सा फेमस पॉइंट है। यहाँ सबसे पहले तो ये पानी का नालू जैसा है जहाँ से ठंडा व फ्रेश नेचुरल वाटर हमेशा आता रहता है, तो अक्सर लोग यहाँ रुककर पानी पीते हैं। और यहाँ के ये पकौड़े भी काफ़ी फेमस हैं। इस रोड पर चलने वाले मैक्सिमम लोग यहाँ पर रुकते हैं। हालांकि यहाँ रोड थोड़ा तंग और स्पेस कम है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता तो मैनेज हो जाता है। आप भी कभी इस तरफ आओ तो कांडू के पकौड़े और यहाँ इस नालू का पानी ज़रूर चखें। करीब 15 मिनट यहाँ रुकने के बाद हमारी बस यहाँ से चली। और ये आगे से भरमौर पठानकोट बस भी आ गई है। यहाँ जगह तंग है तो अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ नीचे ये चमेरा झील भी दिखाई दे रही है। यहाँ से चलने के बाद बस द्रड्डा और चनेट गांव से होती हुई नीचे रावी नदी के किनारे पहुंची। और कुछ ही देर में चंबा आ गया। 2 बजे बस ने चंबा बस स्टैंड पर उतार दिया। यहाँ पर काफ़ी धूप और गर्मी है। हालांकि बनीखेत हाइट पर है तो वहाँ मौसम काफ़ी सही था, लेकिन चंबा में काफ़ी गर्मी है। एक तो दोपहर का वक्त है और ऊपर से तेज़ धूप। ये चंबा से हरिद्वार जाने वाली बस भी अपने काउंटर पर लग रही है और ये 2:30 बजे यहाँ से रवाना होगी। पठानकोट से चंबा करीब 125 किलोमीटर दूर है और बस यहाँ पहुँचने में करीब 4 से 5 घंटे ले लेती है। ऑर्डिनरी बस का फेयर 235 रुपये है। चंबा का मेन बस स्टैंड चंबा मेन शहर से थोड़ा नीचे आकर बना है, जहाँ बाय रोड तो मानो 3-4 किलोमीटर दूर होगा, पर यहाँ बीच बीच में शॉर्टकट रास्ते भी हैं लेकिन उनमें तीखी चढ़ाई चढ़ने पड़ती है, तो मैंने भी पैदल ही ऊपर तक जाने का फ़ैसला ले लिया।
अब मुझे लग रहा है कि पैदल जाने का फैसला थोड़ा गलत था। एक्चुअली गर्मी बहुत है और यहाँ पर धूप इतनी तेज़ है कि क्या कहूँ, ऊपर से बैग भी थोड़ा भारी है। खैर 15 मिनट में मैं यहाँ ऊपर पहुँच गया हूँ और यहाँ गांधी गेट से निकलते ही सामने दिखाई देता है चंबा की शान, चौगान। चंबा का चौगान वाकई में इस शहर का सबसे ख़ास पॉइंट है। अगर चंबा में मानो चौगान ना हो तो फिर क्या होगा। पहाड़ी शहरों में इन ग्राउंड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो तो यहाँ आकर ही पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेला भी इसी चौगान ग्राउंड में आयोजित होता है। हर साल सावन मास में इस मेले का आयोजन होता है और देश विदेश के कई कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। चंबा 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर है और इसे हिमाचल प्रदेश की मिलेनियम सिटी यानी सहस्त्राब्दी शहर भी कहा जाता है। चंबा रियासत की राजधानी पहले भरमौर में हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे चंबा में शिफ्ट कर दिया गया। चंबा शहर का नाम राजा साहिल वर्मन की बेटी चंपावती के नाम पर पड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला चंबा ही है। चंबा शहर मिड हिमालयस में होने के बावजूद भी बाकी हिमाचल से दूर माना जाता है, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है और यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। राजधानी शिमला से चंबा की दूरी करीब 350 किलोमीटर है और चंबा हिमाचल प्रदेश की राजधानी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित ज़िला मुख्यालय है। इसके बाद मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में आया, जो कि चंबा का सबसे पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर चंबा शहर के बीचों बीच स्थित है और चौगान से यहाँ तक 10 मिनट का पैदल रास्ता है। मंदिर तक जाने के लिए एक तीखी चढ़ाई चढ़ने पड़ती है और मंदिर भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन द्वारा करवाया गया था और ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति विंध्याचल पर्वत से लाकर यहाँ स्थापित की गई थी। परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ रावी नदी के किनारे बसे ज़िला मुख्यालय चंबा से शुरू करके 4500 मीटर ऊंचे साच पास को क्रॉस करके फिर चिनाब नदी के उस पार बसे किलाड़ तक की यात्रा कल बहुत ख़ास होने वाली है। HRTC केलांग डिपो की ये बस यहाँ चंबा पहुँच गई है और कल इसी बस में मैं किलाड़ के लिए निकलूँगा। मैं यहाँ होटल चामुंडा व्यू में रुका हूँ और रात भर से जगा हुआ हूँ और लगातार ट्रैवल में था तो फटाफट खाना खाकर सो गया। इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल यानी अगले पार्ट में हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों से होते हुए लेकर चलेंगे चंबा ज़िला की ही सबसे दुर्गम घाटी पांगी में। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।